अब सवाल यही है कि ये जो बयान आ रहा है इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का, क्या किसी बदलाव का ये संकेत है? क्या वो एक तरीके से इनडायरेक्टली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं भी बना, चलिए कोई बात नहीं? देखिए, शिवराज सिंह जो जमीनी सच्चाई है उसको अच्छी तरह समझते हैं और उनका बयान एक, जिसको कहते हैं ना, एक समर्पित कार्यकर्ता का बयान है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो लोग तरह तरह के जो आकलन अब लगाए जा रहे हैं कि हारे क्यों जीते क्यों, देखिए, इज्जत घर से रसोई घर और रसोई घर में राशन, बिजली, पानी, ये एक महिला को मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। और शिवराज सिंह ने कहा कि मैं सब्जी भी ला के रख देता हूँ, लाडली योजना का उतना ही भूमिका है, वरना बाकी जगह लाडली योजना नहीं थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इज्जत घर से रसोई घर, बिजली, पानी और राशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने ये किया है, व्यक्ति नहीं मैं कह रहा हूँ, उस पार्टी की नीतियाँ हैं, और वो पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को भी बनाएगी। हाई कमान ड्राइवर के बगल वाली सीट में बीजेपी पे बैठा रहता है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में ना पहले था ना अब हूँ, तो अब नतीजों के बाद इस तरीके की बात कहेंगे तो उसे एक संकेत तो मिलेगा कि लगता है बदलाव के लिए वो तैयार होने एक तरीके से मानसिक तौर पर। देखिए, अखिलेश, दो सच हैं इस मध्य प्रदेश के चुनाव के। एक ये है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बहुत मेहनत की, 166 रैलियां की, मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है भारतीय जनता पार्टी, ये एक सच है। दूसरा सच ये है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खतरा मोल लेते हुए, जोखिम मोल लेते हुए शिवराज जी को रेस से बाहर कर दिया था, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। तो नैतिक तौर पर उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये कहें कि ये चुनाव उनके भरोसे जीता गया, क्योंकि उनके चेहरे पर को पार्टी ने सबसे पहले अलग किया था, जबकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। ये कम होता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप आउट करें रेस से, तो उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 160 सीटें जीती, जो बड़ी जीत हुई। तो इसका मतलब शिवराज जी को, और अब शिवराज जी को समझ आ रहा है, ये मैसेज तो उनके पास है ही, हालांकि पार्टी बाद में फैसला करेगी कि ये शिवराज जी ने जो 166 रैलियां की और आखिरी दम तक जो मेहनत करते रहे, क्या उसका उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और रिवॉर्ड का मतलब चीफ मिनिस्टर ही नहीं होता ना, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, देश भर में काम कर रही है। सीएम तो सीएम होता है सर, एक राज्य का जो सीएम होता है। ये चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया, ये तो एक बड़ा सच है ना। सच है, बिल्कुल सच है, इस बात को वो भी स्वीकार रहे हैं। जब भी वो जीत की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को ही दे रहे हैं। जनता से पूछा था उस वक्त, अब इमोशनल कार्ड खेला था कि भाई मैं चुनाव लड़ू कि नहीं लड़ू, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, बहना मैं चला जाऊंगा, वो वाला बयान चला जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी कोशिश की है। और अच्छा, राकेश जी, कुछ बदलाव का संकेत है क्या आपको लग रहा है कि अब वहाँ पर ये कुर्सी बदलने वाली है, कोई नया नया चेहरा दिखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही कार्य संस्कृति है जो शिवराज सिंह चौहान जी के शब्दों में दिखाई पड़ी है, यही कार्य पद्धति है। पार्टी में नेतृत्व परामर्श के बाद ये तय करता है कि किस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी है, जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो निर्वहन करेगा। इसको लेकर के कोई रेस नहीं है, कोई सिरपटोवल नहीं है। देखिए, ये राकेश जी कह रहे हैं इधर कोई रेस नहीं है, वो ऐसी स्थिति में जब कितनी प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, आपके यहाँ जीत के पहले ही रेस वाली स्थिति बन जाती है, क्या इसी का बड़ा नुकसान हुआ, कुर्सी की दौड़ शुरू हो जाती है? देखिए, मैं पहले शिवराज जी की बात कर लूं कि जिस जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनको टिकट उन्होंने लास्ट में दी, तो वो तो बेचारे पहले ही उस लिस्ट से बाहर हो गए थे, तो वो अब कह रहे हैं बयान उनको मजबूरी में देना पड़ रहा है। सीएम कौन नहीं बनना चाहता, जिन्होंने 18 साल शासन किया वो क्यों नहीं चाहेंगे दोबारा से सीएम बनना? लेकिन मुझे लगता है कि आपके यहाँ सचिन पायलट जी भी बनना चाहते थे, वहाँ भी तमाम नेता दिग्विजय भी चाहते होंगे शायद। राजनीति में सबको महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और राजनीति में सबको महत्वाकांक्षा बहुत आवश्यक है। यदि महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो राजनीति खोखली हो जाएगी। तो मुझे लगता है राजनीति के पीछे सेवा का भाव होना चाहिए, मेरे ख्याल से महत्वाकांक्षा की बजाय। बिल्कुल, सेवा का भाव होना चाहिए, सेवा का तो सेवा करने के लिए तो राजनीति में आए हैं, ये तो इसमें तो इफ एंड बट है ही नहीं, सेवा करने आए हैं तभी हम राजनीति के अंदर है। देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह का चेहरा इसलिए वो खुद स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास मजबूरी है। एक तानाशाह सरकार है जो चाहती है कि वो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने पहले कहा, आरएसएस तय करेगा कि किसको बनाना है किसके लिए। शिवराज जी अगर वहाँ रेस में पीछे हो जाते हैं जिसमें तानाशाही आ गई, इस तरीके की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होती है, उसमें जो पार्टी हाईकमान तय करता है विधायक दल चुनते हैं। और कितनी ट्रांसपेरेंसी है कांग्रेस में, कितनी ट्रांसपेरेंसी है देखिए जरा, और आपके यहाँ तानाशाही है। ट्रांसपेरेंसी तो देखी है हमने कि कैसे सचिन पायलट इस ट्रांसपेरेंसी को सड़कों पर लेकर घूमते रहे, यही ट्रांसपेरेंसी हमने देखी है कि जाकर के दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो कि इससे छिंदवाड़ा के टिकट तो मेरा बेटा नकुलनाथ घोषित करेगा, कहीं देखा है ऐसा क्या
कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं करेगा, इलेक्शन कमेटी नहीं करेगी, मेरा बेटा तय करेगा, यही लेकर के डूबा है और अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ पाने के लिए या बनने के लिए नहीं, हम बनाने के लिए आए हैं, हम एक समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए आए। और आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा है कि महिला है वसुंधरा राजे, और राजनीति में महिलाओं का हमने देखा है कि भागीदारी वैसे ही कम है, उनके हाथ से पोस्टर छीन लेते हैं। कितनी शर्म की बात है, जो महिला सम्मान की बात करते हैं वही महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते। वो विपक्ष पार्टी से है लेकिन मैं फिर भी उनको इतनी इज्जत देती हूँ क्योंकि वो कद्दावर नेता है और वो एक महिला है, उनके साथ इस तरीके का। आपको इस बात के लिए तकलीफ हो रही है? सच में तकलीफ हो रही है? तकलीफ होगी, महिला होने के नाते तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये तकलीफ तब हुई होती जब राजस्थान में एक विधान भवन के भीतर खड़ा होकर के मंत्री ये कह रहा था ये मर्दों का प्रदेश है, तब तकलीफ हुई होती तो शायद आज ये तकलीफ न झेलनी पड़ती। आज मैं उनके लिए रेड कार्पेट भी बिछा दिया गया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तमाम यौन उत्पीड़न करने वाले बलात्कार के आरोपियों को टिकट थमा देते हैं, महिलाएं टंचमाल होती हैं, क्या क्या बयान गिनाऊं मैं। आज इन बयानों को गिनाते हुए मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की है, कांग्रेस की इन सारी बातों पर चर्चा करना व्यर्थ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण नीतियां अपनी लेकर के जनता तक पहुंचे हैं उसका आंकलन करें, उसके प्रभाव का आंकलन। आपको तो अब 2024 की चिंता होनी चाहिए मैडम, कि अब क्या होगा अगर यहाँ पर ये हालात हैं, क्योंकि ये तो राज्य के चुनाव ऐसे थे जिसमें आपके पास बड़े बड़े चेहरे थे, क्षेत्रीय शत्रप थे, वो जब नहीं चल पाए विधानसभा चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में तो पहले से कहा जा रहा था कि कहीं मोदी जी के जादू फिर ना चले। मोदी जी का लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, ये लोकतंत्र का अंग है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और 2000 मिशन, जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन हमेशा एक मछली की आंख की तरफ देख के, वो हम लोगों का बिल्कुल वही टारगेट है। हमारा लक्ष्य 2024 है, हमारा लक्ष्य, अब हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं रहे। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन गलतियों पर हम काम करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन हम इनकी तरह जिस तरीके से लगातार इस देश के अंदर लोकतंत्र में जिस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते। ठीक है, विजय जी को जोड़ना चाहते, छोटे में ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो दोनों सहयोगी है हमारे दोनों पार्टी के, उनको दूसरी पार्टी की ज्यादा चिंता है, तो वो जो उस दूसरी पार्टी में परेशानी हो रही है उसकी चिंता कर रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होता कि वो अपने अपने घर को देखते तो ज्यादा बेहतर नतीजों की तरफ पहुंच सकते थे। हमारी कांग्रेस की जो नेता, उन्हें तो इस बात की भी चिंता है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूं ना कि उनको उसकी ज्यादा चिंता है, हालांकि उन्होंने उस समय चिंता नहीं की जब सचिन पायलट को बनाना था मुख्यमंत्री, या जो टीएस सिंहदेव है जिनको मुख्यमंत्री बनाना था, 2.5 साल का वादा किया गया था और नहीं बनाया, ना कि उसका नुकसान, हाँ नुकसान पूरा का पूरा, बस्तर वाला इलाका सारा हार, इलाका वहाँ पर वो हार गए सिंहदेव की वजह से, और सचिन पायलट की वजह से गुर्जर वोट का जो बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है राजस्थान। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।